थाना न्यू आगरा के लॉयर्स कॉलोनी स्थित हिंदुस्तान लीवर के गोदाम में बीते शनिवार को हुई लूट का पुलिस ने सफल खुलासा किया। थाना सिकंदरा क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने रकम सहित लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली एक बदमाश आकाश के पैर में भी जा लगी। बीते शनिवार को लॉयर्स कॉलोनी में हुई लूट का पुलिस खुलासा करने में सफल रही, जिसमें पुलिस ने रकम सहित दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। गोदाम से दो व्यक्तियों के द्वारा अवैध असलहे के बल पर जो उनके कर्मचारी से उनको बंधक बनाकर पैसे की लूट की गई थी। आज हमारी टीम ने 30 घंटे के अंदर उस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए घटना में शामिल दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पूरे पैसे बरामद कर लिए गए हैं। बैग, जिस बैग में वो पैसे ले गए थे, वो बैग, कागजात और लूटे गए 3 मोबाइल फोन, साथ ही साथ जो DVR ले गए थे, वो सभी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। कल रात में एक अभियुक्त के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के जवाबी हमले में उसके पैर में गोली लगी। उस आकाश गुप्ता अपराधी को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। उसके पास से अवैध असलहे और चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि दोनों आकाश गुप्ता और विजय साहू, जो कानपुर देहात का है, दोनों रिश्तेदार हैं। आकाश गुप्ता पिछले 3 साल पहले इन्हीं की कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था और इसलिए उसे इनके बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी थी। तकरीबन 8-10 महीनों से अपने घर से फरार था, भागा हुआ था। इससे पैसे के कर्ज भी थे और थोड़े गलत संगतों में भी फंसा हुआ था। पिछले 2 महीनों से आकाश गुप्ता के द्वारा इस प्रकार की घटना की प्लानिंग की जा रही थी। 15 दिनों से दोनों अभियुक्तों ने जो है रेकी की और उस घटना को परसों की रात अंजाम दिया था। अभियुक्त इस दौरान बीच में सिकंदरा के आउटर एरिया में कमरे लेकर रह भी रहा था, कुछ नौकरी भी कर रहा था और साथ ही साथ इस प्रकार की पूर्व की अपने जो एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयर हैं, उसके गोडाउन में लूट की घटना की प्लानिंग करते हुए इसको अंजाम दिया था। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। पूरे पैसे 10,74,000 रुपये जो है वो बरामद कर ली गई है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। आपको बता दें, थाना न्यू आगरा की लॉयर्स कॉलोनी में हिंदुस्तान लीवर कंपनी का पिछले कई सालों से गोदाम है। इसमें बीते शनिवार को कुछ अज्ञात लुटेरों ने हथियारों के बल पर लूट लिया था। कागजात रखे हुए तो सामने आए, तो मौके से मुठभेड़ के दौरान वहां पड़ा था, उसमें तकरीबन 9 लाख रुपए, कुछ कागजात और वही बैग जो उसने घटनास्थल से जो गोदाम से लूट कर लाया था वो बरामद हुआ। उससे पूछताछ हुई, उसने पूरी घटना को कबूल भी किया और बताया कि उसके साथ उसका भाई, रिश्ते का भाई है, ये विजय साहू, यीशु साहू, जो कि बेसिकली कानपुर देहात का है। इन दोनों लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। तकरीबन कितने पंद्रह ये जो आकाश गुप्ता अपराधी कल पकड़ा गया है, ये बेसिकली गोदाम में जो पैसा रखा हुआ था वो एक बैग में रखा हुआ था और कुछ कागजात भी जो दिन भर की उनकी सेल्समैन ने जो भी रिकवरी की होगी या जो जमा किया होगा, उस बैग को उठाकर ले गए और उनकी पत्नी और उनकी कर्मचारी को तमंचा दिखाया। तमंचे के बाद उनको जो है कुछ भी कार्रवाई करने के लिए बताया और फिर अंत में जाते समय उसको
एक कमरे में तीनों लोगों को बंद कर दिया और जो बीवियां थी उसको ले गए। उसके बाद वहां से जो इन कर्मचारियों को पुलिस ने 30 घंटे के अंदर ही लूट का सफल खुलासा करते हुए मुठभेड़ में दो लुटेरों को गिरफ्तार किया और लूट की रकम भी बरामद की। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि लुटेरा कंपनी का ही पूर्व कर्मचारी है जो 3 साल पहले कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था, जिसके कारण उसे कंपनी में आने वाली रकम के बारे में जानकारी थी। जो के घर के लोग हैं, जो जो ऑफिस में थे उनसे बातचीत, जो कर्मचारी थे उनसे बातचीत, सीसीटीवी देखना, आसपास के लोगों से बातचीत करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की और उसके आधार पर अभियुक्तों की जो पहचान हुई वो हमारी टीम है, क्योंकि आसपास के जितने क्रिमिनल थे उसको भी हमने देखा। लेकिन पुलिया से बातचीत से जो एक व्यक्ति आकाश के नाम से वो पहचान हुआ, जो पूर्व में ही यहाँ काम करता था, कल रात में उनकी मॉनिटरिंग में लगी हुई थी, कल रात में थाना सिकंदरा क्षेत्र में। इसी रकम को लूटने के लिए उसने कानपुर निवासी ममेरे भाई के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी, जिसकी रेकी वह पिछले 2 महीने से कर रहे थे और उनको जैसे ही मौका मिला घटना को अंजाम दे दिया। और वहाँ तकरीबन मुझे लगता है कि करीब 7-8 सालों से वो वहाँ काम करते हैं। करीब 7-8 बजे के आसपास दो व्यक्ति प्रवीण बंसल जो मालिक है उनके नाम से उनके परिचित होने की बात करके उस कैंपस के अंदर आए, अपने आप को कंपनी वाले का नाम बताया और उसके बाद जो है ये जानकारी करी कि अंदर कितने लोग हैं मालिक। लीवर का एक गोदाम है जो बेसिकली लॉयर्स कॉलोनी में एक घर में ही उन्होंने नीचे किराए पे लेकर उसको गोदाम के तौर पर यूज कर रहे हैं और वहाँ तकरीबन मुझे लगता है कि करीब 7-8 सालों से वो वहाँ काम करते हैं। करीब 7-8 बजे के आसपास दो व्यक्ति प्रवीण बंसल जो मालिक है उनके नाम से उनके परिचित होने की बात करके उस कैंपस के अंदर आए, अपने आप को कंपनी वाले का नाम बताया और उसके बाद जो है ये जानकारी करी कि अंदर कितने लोग हैं मालिक। एसएसपी बबलू कुमार ने खुलासा करने वाली टीम को प्रशस्ति पत्र और 25,000 का इनाम देने की भी घोषणा की है।